वो होता है ना कई बार, अक्सर हम लोग चीज़ें ठीक करने बैठते हैं पर चीज़ें और बिगड़ती रहती हैं। कई बार हम इतनी कोशिश कर लेते हैं, अपने इतने एफर्ट डाल देते हैं पर चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ें और ख़राब होती हैं। कई बार जब ऐसा मोमेंट आता है ना, कुछ चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दो कुछ समय के लिए। आई नो छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट छोड़ के तो देखो, हो सकता है समय अपने आप बदल दे। खैर मैं जा रही हूँ आज वैगामोन की तरफ, जो कि कुछ 3 घंटे का रास्ता है, तो चलें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी दंजल। और मैं जा रही हूँ इस ब्यूटीफुल प्लेस को छोड़ के, इसको छोड़ने का टाइम हो चुका है, इस व्यू को छोड़ने का टाइम हो चुका है। स्विस कंट्री के साथ बस हमारा इतना ही रिलेशनशिप था, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। पर मुझे आज का स्टे बिल्कुल भी नहीं पता मैं कहाँ स्टे करने वाली हूँ, जस्ट डोंट जज मी बाय द बेड। मैं सब कुछ बदाफुल हो चुकी हूँ, दैट्स माई पैकेज, दिस इज बैग, दिस माई बैग, दैट्स गीले गीले कपड़े, दैट्स माई एप्पल आई पैड, दैट्स माई बैग अगेन, एंड दैट्स द लिस्ट व्हिच आई हैव सेट अप, एंड लेट्स जस्ट कीप इट एंड निकलते हैं। पता है यहाँ पर ना प्लास्टिक यूज़ करना बिल्कुल बिल्कुल मना है, मतलब बहुत कम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। इवन बॉटल्स जो होती है ना होटल्स में, अगर ये बॉटल आपको ये दे रहे हैं पानी पीने के लिए, ये वो मतलब उसी प्लास्टिक की जो बॉटल आती है उसमें से इसमें डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्लास्टिक बिल्कुल मना है जहाँ मैं इस वक्त हूँ मुनार में। और ये भी ना पेपर पेन है, ये पेपर का ढक्कन है और ये प्रॉपर पेपर का पेन है, सो दिस इज एक्चुअली मेड फ्रॉम पेपर बट इट्स गुड, इट्स स्ट्रॉन्ग। खैर चलते हैं ढीले ना करते हुए, बाय बाय स्विस एंड थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। गाइस मैं निकल रही हूँ चिंगमंगलम डैम से और मैं जा रही हूँ, एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ अपनी न्यू लोकेशन पे, सो बाय बाय मुनार फॉर नाउ। सो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगी, पूरा वैगनम फुल है, देर इज नो रूम एनी वेयर, एंड हो सकता है गाड़ी मिस होना पड़ जाए। मैं इन्फिनिटी पुल जो है ना वो जोस्टल से रास्ता जाता है ट्रैक का, तो जोस्टल मेरे उस तरफ है। मैं इस वक्त विंटर वेल के पास आई हूँ, विंटर वेल का रेट 2000 से स्टार्टिंग है, इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, एंड मुझे नहीं पता मैं कहाँ रुकने वाली हूँ क्योंकि सैटरडे का कोई भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, सो आई सी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था इस बार खर्चा बैठ जाएगा। फिलहाल जोस्टल से नीचे की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर शायद डैम वगैरह है, वहीं इन्फिनिटी पूल के तरफ लेके जाता है। फिलहाल मुझे भी 10-15 मिनट लगेंगे इस प्रॉपर्टी के साथ बात करने में, क्योंकि गाइस अगर आप मिसहर्ड करके इन्फॉर्मेशन आ रहे हो ना तो डोंट कम हेयर। एक्चुअली जो जोस्टल है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको दे डोंट अलाउ पीपल टू गो टू दैट इन्फिनिटी पूल, एंड आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद द ओनर, अगर ऐसा करते हैं तो, एंड दे आर कॉलिंग द नेचर्स प्रॉपर्टी एज आर प्रॉपर्टी, मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती। इट फील्स रियली बैड इतनी दूर से आना सिर्फ एक जगह को देखने के लिए, एंड यू नो दैट इज़ अ ट्रैक एक्चुअली विच इज़ गोइंग राइट यहाँ से उधर की तरफ, एंड दे पीपल आर लाइक वी वॉन्ट अलाउ अगर आप हमारे साथ स्टे नहीं कर रहे तो। मैंने कहा अच्छा ओके, स्टे उनका फुल है, मतलब इतनी 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 ऑब्लिगेशंस हैं यहाँ पर पूछो मत। तो देर इज़ अ, अगर देर इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम कमिंग लाइक इतना फार, तो इफ़ यू डोंट हैव द स्टे, एंड रियली जोस्टल आप नेचर को, मतलब लिटरली नेचर को, आप नेचर की प्रॉपर्टी को अपना स्टे बोल रहे हो, अपना अपना बोल रहे हो, जब ये नेचर है भैंस की आँख, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जोस्टल, तुमने परचेज नहीं कर रखा इसको। मेरे पैरों पे लीच चढ़ गई थी और अभी भी मेरे चप्पल पे कहीं वो है, घूम रही है, सो दिस इज़ लीच, और ये थोड़ा सा बी केयरफुल आप जब जंगल एरिया में आते हो, एंड कीप यू नो इसमें भी आ जाती है ये पानी में लीक, एक्चुअली नॉट लीच, लीक तो खून चूसती है। सो दैट्स अ प्लेस आई एम स्टेइंग विद, दिस इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ वाईफाई है फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। बेसिकली जोस्टल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन्फिनिटी पूल को लेके, कोई भी जा सकता है, आई हैड अ वर्ड विद लोकल्स। सो मैं इस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हुई विद्या मिस्ट्री में, बेसिकली एक रूम एंड विद द व्यू, व्यू वॉज एब्सोल्यूटली मार्वलस, और ऑल द यूटिलिटीज़ जो होनी चाहिए उसमें से नहीं थी रूम में, मैं बोलना तो नहीं चाहती, बट केटल था, नो कॉफ़ी, नो लाइक कॉफ़ी मेकर वाली जो चीज़ें होती हैं,
मिल्क एंड नो टेटली डी पैकेट. इवन व्हेन आई आस्क्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर तो उन्होंने दो बॉटल्स प्रोवाइड तो किया, इट वॉज़ गुड, बट उनका क्या था, उनके यहाँ पे अगर आर ओ का वाटर बहुत क्लीन है, मैं मना नहीं करूँगी, वो मैंने भी ट्राई किया कि नल जो टैप वाटर है उसमें आर ओ का वाटर आ रहा था, प्लस एक कबर्ड. और उसके अलावा यहाँ पे क्या था, मतलब इनका बिल्कुल सब कुछ क्लीन था, इनका वॉशरूम भी क्लीन था, बट इन्होंने टॉयलेट पेपर्स नहीं रखे हुए थे. दैट्स योर बाथरूम. ये इनका सबसे प्रीमियम क्वालिटी रूम है. दैट्स द बेड एंड वेयर इज द मिरर, आई एम मिसिंग द मिरर. हाँ ऑब्वियसली लड़के की फेवरेट चॉइस. एंड दैट्स द कबर्ड. दैट्स द फ्रिज. दैट्स द अदर कीपिंग मटेरियल एरिया. अभी जैसे रूम लोग खाली करके गए हैं. ओह यू हैव अ डेकोर ऑल्सो, सो लुक एट दिस व्यू. बाकी सारे ऊपर के रूम ऐसे हैं इनके, सिर्फ मेरे वाला रूम छोटा था जिसमें मैं रुकी थी, जिसमें मैं रुकी हूँ. पॉन्ड दिस मैगी विद जीरो विजिबिलिटी व्यू आगे मेरी तरफ. किसी को चाहिए? मिलेगी नहीं, सॉरी मैं खा रही हूँ, मेरा यही है. दैट्स अ डिनर फॉर टू नाइट. मैंने ऑर्डर किया है मशरूम्स. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नई प्रॉपर्टी जस्ट फॉर टू नाइट इस प्रॉपर्टी के साथ. एंड इसका व्यू तो आप देख ही चुके हैं जो कि ब्रेड टेकिंग था. अब ये प्रॉपर्टी नई है तो हमारे पास चॉइसेस थोड़ी सी कम है, बट वेंस दिस प्रॉपर्टी विल ग्रो अप ऑब्वियसली यू गोना गेट अ अमेजिंग चॉइसेस. तो ये प्रॉपर्टी रीच करना बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगी कैसे रीच करना है, नीचे मैं मेंशन कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और कल मैं आपको दिखाऊंगी इस जगह को, इसकी खूबसूरती को, कि लोग यहाँ पे क्यों आते हैं इतनी दूर से. सो मिलते हैं, मतलब डे आफ्टर टुमारो नए ब्लॉग पे. बाय.